पहला बॉल व्हाइट के रूप में और इस तरह लक्ष्मी डायमंड टाइटंस का खाता खुला अतिरिक्त के तौर पर। अच्छी बॉल लक्ष्मी डायमंड की तरफ से प्रशांत जो कि स्ट्राइकिंग इन पे हैं, युवराज जो कि नॉन स्ट्राइकिंग इन पे, और ये इसी के साथ बोल्ड क्लीन बोल्ड बिना कोई खाता खोले प्रशांत पवेलियन वापस जा रहे हैं। दर्पण जिन्होंने बहुत ही सभी गेंदबाजी की है अभी तक के अपने मैचों में, अपने पहले ही ओवर में सफलता मिली उन्हें। लक्ष्मी डायमंड एक रन एक विकेट के नुकसान पर। अमर जो कि फर्स्ट डाउन के लिए आए हैं लक्ष्मी डायमंड की तरफ से। दर्पण अपने ओवर की अगली बॉल लेकर तैयार। वाइड का इशारा अंपायर का, दूसरा अतिरिक्त रन। खेल दिया एक रन के लिए, एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ अमर ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा 3 रन एक विकेट के नुकसान पर। अतिरिक्त एक और वाइड, स्कोर 4 रनों में से 3 अभी तक सिर्फ अतिरिक्त से आए हैं। खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, मिड विकेट की तरफ, ये चांस मिल सकता था, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, नॉन स्ट्राइकर इन दौड़ चुके थे, आधे से ज्यादा पिच पर से उन्हें वापस आना पड़ा, फिलहाल सुरक्षित। और ये देखना है कि अंपायर क्या था, और ये आउट, स्टंप आउट कर दिया, बहुत ही आगे निकलकर खेलना चाह रहे थे, मिस किया, कीपर ने बॉल पकड़ा और सीधे स्टंप से लगा दिया। इस तरह लक्ष्मी डायमंड टाइटंस का दूसरा विकेट गिरता हुआ। लक्ष्मी डायमंड टाइटंस का स्कोर और हमारे अंपायर का इशारा, ये जो अभी स्टंप आउट हुए हैं ये वाइड बॉल था तो एक रन जरूर मिलेगा। स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये वापस से एक मिस फील्ड, वरना एक और मौका बन सकता था अगर सही समय पर गेंद पकड़ ली जाती। फिलहाल एक रन दौड़ कर पूरा किया, स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये फाइनल की तरफ खेला गया है एक रन के लिए, स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति में। मैं बता दूं मेरे दर्शकों को कि इन 7 रनों में 4 रन अतिरिक्त के रूप में आए हैं और 3 रन बल्ले से बने हैं। लक्ष्मी डायमंड टाइटंस के अभी तक के 7 के स्कोर में उन्होंने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए पहले ओवर की समाप्ति पर। प्रशांत दूसरा ओवर लेकर फाइनल के समय खेला ये एक रन के लिए, एक रन के साथ। स्कोर 8 रन ये खेल दिया है मिड विकेट की तरफ, एक रन के लिए, एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, वापस से खेला है, मौका बन सकता है लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज पर। इस बीच एक रन जरूर दौड़ कर पूरा किया, स्कोर 10 रन। प्लेट किया फॉलो थ्रू में, बॉलर ने गेंद को पकड़ा, कोई रन नहीं। ये खेला है जोरदार शॉट लेकिन स्ट्रेट ड्राइव खेला था, बाउंड्री लाइन पर फील्डर पकड़ लिया गया लेकिन इस बीच एक रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों की संख्या में वृद्धि, रन पहुंचा 12।
ये खेला है लॉन्ग ऑफ की सवारी लगा चौका, इतनी तेज शॉट मारा था, गोली की रफ्तार से बॉल निकली, मिड ऑफ को छकाती हुई, लॉन्ग ऑफ को छकाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, 16 रन दो विकेट के नुकसान पर, दो ओवर की समाप्ति पर। इस ओवर से कुल 9 रन आए, जहां पहले ओवर में 7 रन आए थे दो विकेट के नुकसान पर, दूसरे ओवर में 9 रन आए कोई विकेट नहीं। खेल दिया है एक रन के लिए, स्कोर 17 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, तीसरा ओवर लेकर प्रमोद आए हैं HOB स्पार्टियंस की तरफ से, और ये क्लीन बोल्ड उछाल कर खेलना चाह रहे थे, जैसा कि प्रतीत हुआ गेंद थोड़ी धीमी आई, बैट पहले चल गया और सीधे स्टैम्प से जटक रही गेंद। इस तरह से लक्ष्मी डायमंड टाइटंस का तीसरा विकेट गिरता हुआ 17 रन के स्कोर पर। प्रशांत जो कि लक्ष्मी डायमंड टाइटन की तरफ से आए हैं, और ये खेला उछाल कर सीधे हाथों में गया था, लेकिन गेंद में इतनी ताकत कि हाथों से छिटकती हुई दूर चली गई, वरना एक मौका और निश्चित तौर पर बन सकता था। फिलहाल सुरक्षित, स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये तीसरा ओवर अभी जारी, लॉन्ग ऑन पर खेला गया एक रन के लिए, एक ही रन मिलेगा। महादेव उछाल कर खेलना चाह रहे थे, बैट का अंदरूनी किनारा लगा और क्रीज के आसपास सी बॉल रह गई, रन की कोई संभावना नहीं। स्कोर अभी भी 19 रन, और ये खेला है एक रन के लिए लॉन्ग ऑन की दिशा में। इस एक रन के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति, लक्ष्मी डायमंड टाइटन का स्कोर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगले तीन ओवर का खेल शेष, 18 गेंदें, 4 विकेट अभी भी लक्ष्मी डायमंड के हाथों में। खेला है बहुत ही अच्छा, शॉट लगाया था, लेकिन सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये एक रन के लिए खेला गया शॉट, स्कोर 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये वाइड का इशारा, स्कोर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये चौथा ओवर प्रगति पर अभी, और ये उछाल कर खेला है, देखना है क्या होता है, और ये लगा चौका। और इस 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 27 रन। ये वाइड का इशारा, स्कोर में वृद्धि 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बॉल थी, बैट में चढ़ता तो निश्चित रूप से बाउंड्री जा सकती थी, फिलहाल मिस हुए, लेकिन साथ ही विकेट भी बचा। इस बीच हल्की सी अपील की थी, चौथे ओवर की ये संभवतः अंतिम गेंद, मिड विकेट पर खेल दिया एक रन के लिए, एक रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़े, तीसरे रन के लिए अभी दौड़ना चाह रहे हैं, देखना क्या होता है, लेकिन मना किया स्टैकिंग इन पे, वापस अपनी क्रीज पर दौड़ते हुए पहुंचे सुरक्षित, दो रन लिया इस बीच दौड़ते हुए। चौथे ओवर की समाप्ति पर लक्ष्मी डायमंड टाइटंस का स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
अभी लक्ष्मी डायमंड के पास सिर्फ दो ओवर और बचे हुए हैं, 12 गेंदें, उनके पास अभी 4 विकेट सुरक्षित हैं, 12 गेंदें खेलने के लिए हैं। स्कोर देखना है कहां तक पहुंचाते हैं अपनी टीम को। ये खेल दिया है और ये लगा चौका। चार रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये देखने के बाद और ये रन आउट, अच्छा खेल रहे थे महादेव, अच्छा खेल रहे थे, दुर्भाग्यवश रन आउट हो गए। लक्ष्मी डायमंड का स्कोर 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जिगर रन 12 जो कि अभी खेलने के लिए आए हैं। मिस हुआ गेंद, भाग्यशाली रहे गेंद स्टिक पर नहीं थी, वरना जिस तरह से बैट उन्होंने घुमाया था और मिस हुए थे, निश्चित रूप से एक और नुकसान हो सकता था। फिलहाल सुरक्षित मिड विकेट पर एक रन के लिए खेला है। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पांचवें ओवर की ये अंतिम गेंद, जिगर देखना है क्या होता है। जोरदार अपील, डायरेक्ट हिट था स्टिक पर विकेट पर, लेकिन सिरे से नकारा अंपायर ने इसे। दोनों ही प्लेयर अपने अपने स्थान पर सुरक्षित। स्कोर 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर की समाप्ति पर अंतिम ओवर इस इनिंग का, लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी डायमंड टाइटंस के पास अभी भी 3 विकेट शेष हैं, 6 गेंदे खेलनी शेष हैं। देखना है कि कहां तक स्कोर जाता है। फिलहाल 35 रन पे अटका हुआ। लॉन्ग ऑफ पर एक रन के लिए खेला गया, एक ही रन मिलेगा सिर्फ। स्कोर 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दर्पण जो कि इस इनिंग की आखिरी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार है, उछाल कर खेला है और ये बॉक्स आउट। पांचवा विकेट गिरता हुआ लक्ष्मी डायमंड टाइटंस का। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, इस तरह के शॉट्स खेलने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी उनके पास 2 विकेट शेष हैं, गेंदे सिर्फ 3 खेलनी बाकी है इस इनिंग की। कुछ तो इस तरह के शॉट्स लगाने पड़ेंगे ताकि स्कोर थोड़ा सा और बढ़ाया जा सके। फिलहाल राजेश बैटिंग करने के लिए आए हैं और ये एक और रन आउट। प्रशांत जो कि अच्छा खासा खेल रहे थे, साथ दिया था प्रशांत का, महादेव का, प्रशांत ने एक अच्छी पार्टनरशिप निभाई थी। महादेव के उठने के बाद प्रशांत ही थे जो अभी तक टिके हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश रन आउट हुए। फिलहाल स्कोर 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 2 गेंदें इस इनिंग की शेष। यह वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन गया खाते में लक्ष्मी डायमंड के। 37 रन, उछाल कर खेला है और ये बॉक्स आउट। और इस तरह से लक्ष्मी डायमंड की पूरी टीम 5 ओवर 5 गेंदों में 37 रन बनाकर ऑल आउट हो चुकी है।
और एचओबी स्पार्टियंस को जीत के लिए 38 रनों का लक्ष्य दिया है, 38 रनों का लक्ष्य दिया है एचओबी स्पार्टियंस को लक्ष्मी डायमंड ने। होता हुआ है 24 पार्टियंस के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर उपस्थित। इस बीच मिड विकेट पर खेला गया एक रन के लिए, एक रन के साथ खाता खोला 24 पार्टियंस ने अपनी टीम का। ये खेल दिया है मिड ऑन की दिशा में एक रन के लिए, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा दो रन। अभिषेक जो कि स्ट्राइकिंग लेने के लिए आए, विकास नॉन स्ट्राइकिंग इन पे अच्छा खेला फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश, लेकिन इस बीच एक रन लेने से नहीं रोक पाए, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा तीन रन। समीर जो कि लक्ष्मी डायमंड टाइटंस की तरफ से बॉलिंग का दायित्व संभाल रहे हैं, तीन गेंदें हो चुकी है, तीन गेंदों में तीन रन। लॉन्ग ऑफ पर खेला गया ये एक रन के लिए विकास द्वारा, चार गेंदों पर चार रन अभी तक एचओबी स्पार्टियंस ने बनाए हैं। लक्ष्मी डायमंड समीर भाई जो कि बहुत ही सदी हुई बॉलिंग कर रहे हैं, अभी तक कोई भी बाउंड्री लगाने का मौका नहीं दिया है बैट्समैन को, सदी हुई गेंदबाजी। इस बीच एक डॉट बॉल भी निकाला, दूसरा डॉट बॉल निकालने को जा रही है, आउट, बहुत ही सुंदर थ्रो डायरेक्ट हिट, और इस तरह से आज एचओबी स्पार्टियंस का पहला विकेट गिरता हुआ चार रन के स्कोर पर। मिड ऑन की तरफ खेला था, एक रन दौड़ कर लेना चाह रहे थे, इसी बीच फील्डर ने पकड़ा और सीधे डायरेक्ट हिट दिया नॉन स्ट्राइकिंग इन पे, और पहली सफलता दिलाई अपनी टीम को लक्ष्मी डायमंड चार रन पर पहला विकेट गंवाते हुए एक ओवर की समाप्ति पर। दूसरा ओवर चलता हुआ, देखना है क्या होता है, डायरेक्ट हिट हुआ है लेकिन अपनी क्रीज पर सुरक्षित पहुंचते हुए। जिगर इस बीच एक रन के लिए खेला है, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा पांच रन। जिगर जो कि दूसरा ओवर लेकर तैयार, ये देखना क्या होता है, एक रन के लिए खेला था, मिसफील्ड हुआ, ओवर थ्रो हुआ, दूसरा रन भी ले लिया
जहाँ एक रन बनना चाहिए था, थोड़ा सा ओवर थ्रो हुआ, मिसफील्ड हुआ, जिसकी वजह से दो रन पूरे किए चौबीस पार्टियंस की टीम ने। स्कोर बढ़ता हुआ पहुँचा 7 रन एक विकेट के नुकसान पर। उछाल कर खेलना चाह रहे थे, मिस किया गेंद को सीधे विकेट कीपर के हाथों में। फिर से खेल दिया है एक रन के लिए, देखना है क्या होता है। एक रन सफलतापूर्वक पूरा किया, जिगर की भी बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी। एचयूवी स्पार्टियंस का स्कोर 8 रन दो ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर। समीर और जिगर दोनों ही बहुत सदी हुई गेंदबाजी की, दोनों ने अपने दोनों ही स्पेल में सिर्फ 4 रन दिए हैं। एक भी बाउंड्री लगाने का मौका नहीं दिया अभी तक एचओबी स्पार्टियंस को। स्विच बहुत ही सुंदर बॉल, भाग्यशाली रहे स्टैम्प पे नहीं थी वरना एक विकेट गिर सकता था। ये लॉन्ग ऑन पर खेला गया एक रन के लिए विजय द्वारा, विकास द्वारा, विकेश द्वारा ये एक रन के लिए खेला गया। स्कोर पहुंचा 9 रन। अच्छा थ्रो था, डायरेक्ट हिट नहीं था लेकिन बॉलर के जूते से लगकर वापस विकेट से टकराई। एक हल्की सी अपील की थी लेकिन अंपायर ने सिरे से नकारा उस अपील को। स्कोर 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। ये तीसरे ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। ये निश्चित रूप से एक मौका मिल सकता था, चूके उस मौके को संदीप, जिन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग करी और उतनी ही अच्छी सूझबूझ के साथ उन्होंने बॉल भी पास किया था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। इसी बीच क्लीन बोल्ड होते हुए रोहित, जो कि फर्स्ट डाउन के लिए आए थे, उछाल कर खेलना चाह रहे थे, मिस हुआ सीधे स्टैम्प से। और ये दूसरी सफलता मिली लक्ष्मी डायमंड टाइटंस को। स्कोर 11 रन दो विकेट के नुकसान पर। ये तीसरे ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, उछाल कर खेला है, हाथों में गेंद था लेकिन वापस से मिसफील्ड। कैच ड्रॉप मैच ड्रॉप वाली कहावत, हाथों में आकर गेंद निकल गई वरना एक और सफलता लक्ष्मी डायमंड टाइटंस को मिल सकता था, एक और बहुत बड़ा नुकसान एचओबी स्पार्टियंस को मिल सकता था। फिलहाल स्कोर एचओबी स्पार्टियंस का 3 ओवर की समाप्ति पर 12 रन दो विकेट के नुकसान पर। अगली 18 गेंदों पर जीत के लिए 26 रन चाहिए एचओबी स्पार्टियंस को। 18 गेंदों में 26 रन। युवराज जो कि अभी बॉलिंग करने के लिए आए हैं, अच्छी गेंद, बॉल समझ नहीं पाए क्या करना है इस गेंद को, फिर से वही, लेकिन इस बार अंपायर ने वाइड करार दिया एक अतिरिक्त रन। और ये उछाल कर खेला है और ये लगा सिक्सर। दर्पण उन्होंने बॉलिंग में भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, बैटिंग में भी 6 रन मारा है, 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। वापस से खेला है और ये लगा सिक्सर। और इन लगातार 2 छक्कों के मदद से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 25 रन। और ये वाइड का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रन। दर्पण अभी भी अपने हैट्रिक की कगार पर,
और ये बोल्ड, लेकिन लेकिन दर्पण अपना खेल खेल कर जा रहे हैं। 13 रन बनाया उन्होंने, अपनी टीम को एक अच्छी मजबूती दी। जहां 18 गेंदों पर 26 रन चाहिए थे, वहां अब 24 गेंदों पर सिर्फ 12 रनों की जरूरत। लक्ष्मी डायमंड को एचओबी स्पार्टियंस को और 4 और विकेट की जरूरत लक्ष्मी डायमंड को। 13 गेंदों पर 11 रन, ये बैट्समैन तैयार नहीं थे। चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगले 12 गेंदों पर जीत के लिए 11 रनों की जरूरत एचओबी स्पार्टियंस को और 4 विकेट चाहिए लक्ष्मी डायमंड को इस जीत को अपने नाम करने के लिए। खेल एक रोमांचक मोड़ में पहुंचता हुआ, और खेल में मजा तभी आता है जब खेल रोमांचक दौर से गुजरता है। दोनों ही टीमें बराबरी पर रहे, एक तरफा मैच ना हो, तभी खेल का असली मजा आता है। फिलहाल 5वां ओवर लेकर जिगर, मिड विकेट पर खेला गया, एक रन की संभावना थी लेकिन निरस्त किया उसे संदीप ने, और ये वापस से एक कैच मिस किया, एक कैच फिर से मिस किया बाउंड्री लाइन पर। निश्चित रूप से ये कैच होना चाहिए था लेकिन मिस किया, जिसका फायदा उठाते हुए एचओबी के खिलाड़ी इस बीच दौड़ कर दूसरा रन पूरा किया और तीसरे रन के लिए भी दौड़ रहे हैं, तीसरा रन भी पूरा किया। बहुत ही तेज दौड़ लगाते हैं दर्पण। विकेश बहुत ही तेज दौड़ लगाते हैं, जहां एक रन की संभावना हो वहीं पे 2 रन की संभावना बना देते हैं। इस बीच मिड विकेट पर खेला गया ये 1 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ उछलता हुआ पहुंचा 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगले 8 गेंदों पर जीत के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत। रिकेश अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा साथ निभा रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी का। सबसे मजेदार इनका रन लेने का स्पीड, पहला रन इतनी तेज लेते हैं कि अपने आप दूसरे रन की जगह बन जाती है। लॉन्ग ऑन पर खेला गया ये 1 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 34 रन 5वें ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद एचओबी स्पार्टियंस का स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगले 6 गेंदों पर जीत के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत। ये निश्चित रूप से वाइड का इशारा, जीत के लिए धीरे धीरे फासला और कम होता हुआ, ये दूसरा लगातार वाइड। सिर्फ 2 रनों की जरूरत जीत के लिए, 1 रन की जरूरत मैच टाई करने के लिए। 1 रन लेकर मैच टाई किया, सिर्फ 1 रन की जरूरत अगले 5 गेंदों पर एचओबी स्पार्टियंस को।
और ये एक रन ले लिया, कैच हुआ था, मिस किया, इस बीच एक रन दौड़ का पूरा करते हुए, और इस तरह से अचोबीस पार्टियंस ने इस मैच को 4 विकेट से जीत लिया है।